दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में सबसे अधिक जंगल मध्य प्रदेश राज्य में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इधर कुआं उधर खाई मुहावरे का सही अर्थ दोनों ओर संकट का होना होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जानवर है जिसका खून नीला होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ऑक्टोपस जानवर है जिसका खून नीला होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर संसार की पहली नोट चीन देश में बनी थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन से मछली का पेट सर में होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर झींगा मछली का पेट सर में होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग घूमते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग घूमते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर चूहा एक साल में 100 बच्चे को पैदा कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अधिकतम लंबाई वाली सड़क महाराष्ट्र राज्य में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम सारंगी था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा इंसान है जिसका कहीं टिकट नहीं लगता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर वह नवजात शिशु है जिसका टिकट कहीं नहीं लगता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान के एक कान में कितनी हड्डी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इंसान के एक कान में 3 हड्डी होती है। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है?
दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत का सबसे पुराना खेल शतरंज है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सफेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सफेद बाघों का राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किसने बनवाया था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में सबसे पहले रंजना सोनवाने का आधार कार्ड बना था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश के नोट पर गणेश भगवान की तस्वीर छपी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इंडोनेशिया देश की नोट पर गणेश भगवान की तस्वीर छपी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर फ्रिज का पानी पीने से कब्ज बीमारी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर गाय की दूध में विटामिन सी होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, किस जानवर की जीभ काली होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जिराफ जानवर की जीभ काली होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भूटान देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 99 ही वापस आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर शमशान घाट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां लगता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इसका सही जवाब होगा धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अप्रैल फूल।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वचन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसका आना भी कहराब है और जाना भी कहराब है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम दिन में कई बार उठाते हैं और कई बार रखते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कदम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सन 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा देश है जहां 10 पेड़ लगाने पर सरकारी नौकरी दी जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल फिलीपींस में वहां के एक नागरिक द्वारा 10 पेड़ लगाने पर उसे सरकारी नौकरी दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सा जीव है जिसे भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल मछली ही वो जीव है जिसे भूकंप के आने से पहले ही उसका पता चल जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत में लगने वाले कुंभ के मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मिनी ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल बीबी का मकबरा को देश भर में मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, यह एक मूक फिल्म थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर केला कंबोडिया देश का राष्ट्रीय फल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में रविवार को छुट्टी नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दुनिया में वो एकमात्र देश यमन है जहां रविवार को भी छुट्टी नहीं होती है। एग्जामिन पूछते हैं, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर लौकी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा पक्षी है जो पानी में तैरता भी है, आकाश में उड़ता भी है और जमीन पर चलता भी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बतख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दो बेटे और दो पिता सर्कस देखने गए, उनके पास केवल 3 टिकट थे, फिर भी सभी ने सर्कस देखा, बताओ कैसे?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, क्योंकि वे तीन लोग थे, दादा, पिता और पुत्र। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है पानी में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, गर्मी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखों में उंगली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, कैंची। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अहमदाबाद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया के साथ हैं, तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, माचिस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का लेते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, नाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आपका नाम प्रतीक्षा है तो आपके नाम का मतलब बताइए? कैंडिडेट जवाब देती है सर, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक कुएं में 9 मेंढक है जिनमें से 3 मर गए, तो बताओ अब कुन्ने में कितने मेंढक बचेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अगर कुएं में 9 मेंढक हैं जिनमें से 3 मर गए, तब भी 9 ही मेंढक बचेंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाय का सेवन करने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? कैंडिडेट जवाब देती है सर, इससे दांतों में पायरिया रोग की आशंका बढ़ जाती है और पाचन क्रिया खराब होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, साढ़ू भाई कौन होते हैं और अंग्रेजी में उन्हें क्या कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पत्नी की बहन के पति को साढ़ू भाई कहा जाता है, इन्हें अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दिन में लगातार 2 बार गायब होने वाले मंदिर का नाम बताइए? कैंडिडेट जवाब देती है सर, श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान को खूबसूरत बनाने वाला डर कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, पाउडर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उस देश का नाम क्या है जहां केवल 27 लोग रहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, उस देश का नाम सीलैंड है जो इंग्लैंड के सफोल समुद्र तट से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गोल है पर गेंद नहीं है, पूंछ है लेकिन पशु नहीं है, बच्चे इसकी पूंछ से खेलते हैं, बताओ यह क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, गुब्बारा। यह गोल है और इसकी पूंछ पकड़कर बच्चे खेलते भी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख आदमी ने कहा, इसकी माता का पिता मेरा ससुर है, लड़की उस आदमी की कौन है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, लड़की उस आदमी की बेटी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
एक औरत खाली जगह साड़ी पहनकर खाली जगह की पूजा कर रही थी। दोनों खाली जगहों पर एक ही शब्द आएगा, बताएं वो क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर काली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं। एक लड़की को देख केशव ने कहा, ये मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका केशव से क्या रिश्ता हुआ। कैंडिडेट जवाब देती है, सर वह लड़की केशव की बहन हुई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर दिन में तारे चमकें और रात में सूरज तो बताएं क्या होगा। कैंडिडेट जवाब देती है, सर हम दोनों के नाम बदल लेंगे और दिन को रात, रात को दिन कहना शुरू कर देंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव है जो बिना भोजन 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर बिल्ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी न्यायिक शक्ति है जो डीएम के पास होती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर उसके पास जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार है। दोस्तों यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए कि गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन की गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी बढ़ जाए तो क्या होगा। कैंडिडेट जवाब देती है, सर अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो गई तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कोकरोच आदि का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हॉलीवुड मूवी में कभी कभार कीड़ों को बड़े आकार में दिखाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर जंको तभी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक ऐसा नाम बताएं जिसमें फल, फूल और मिठाई का नाम आता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर गुलाब जामुन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी गीला क्यों होता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर जल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन में नमी होती है, इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। दरअसल पानी गीला नहीं होता है, पानी को लेकर हमें जो अनुभव होता है हम उसे गीलापन कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो इंसान ले सकता है पर कभी वापस नहीं दे सकता। कैंडिडेट जवाब देती है, सर जान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं,
ऐसी भाषा का नाम बताएं जिसे सीधा या उल्टा बोलने पर एक ही अर्थ निकलता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर मलयालम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत में कंपनियों द्वारा 28 दिन का इंटरनेट प्लान दिया जाता है। पहले कुछ ही कंपनियों द्वारा 28 दिन के प्लान दिए जाते थे, लेकिन अब सभी कंपनियों के प्लान की वैलिडिटी एक जैसी ही होती है। इस तरह के प्लान की वजह से ग्राहकों को एक साल में 12 रिचार्ज की जगह 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। 28 दिन के प्लान के कारण जिस महीने में 30 दिन होता है उसमें 2 दिन और अगर 31 का महीना होता है तो 3 दिन शेष बच जाता है। अगर फरवरी का महीना 28-29 का हो तो भी 28-29 दिन पूरे साल में अतिरिक्त मिल जाते हैं, जिससे एक एक्स्ट्रा रिचार्ज आपको करना पड़ता है। इस तरह कंपनियों को हर साल एक महीने के अधिकतम रिचार्ज का फायदा होता है। हालांकि BSNL द्वारा अभी भी 30 दिन का प्लान दिया जाता है।